एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक KMS कॉलेज दे चेयरपर्सन श्रीमती मंजुला सैनी जी कुछ समय पहला अपने स्वासां दी पूंजी नूं खशदे होए परमात्मा दे चरणां विच जा बिराजे सन। श्रीमती मंजुला सैनी जी दा जन्म सियालकोट पाकिस्तान विखे फरवरी 1946 नूं होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही होनहार प्रतिभा दे मालिक सुगढ़ अते सियाणे सन। देश दी वंड तो बाद आप जी ने अपनी मुढली सिख्या पिंड लांबड़ा जिला हुशियारपुर तो प्राप्त कीती। आप जी अपने परिवार विचों 3 भरावां अते 4 भैणां विचों सब तो छोटे अते लाडले सन। आप जी नूं बचपन तो ही घर दे काम करन दा बहुत शौक सी। चंगा खाना बनाउणा, सिलाई कढ़ाई करना, चरखा चलाउणा आप जी ने बचपन तो ही सीख लिया सी। सन 1968 विच व्याह तो बाद ओ अपने ससुराल परिवार दसूहा विच भी अपनियां इन्हां सारियां खूबियां करके जाने जांदे सन। आप जी बहुत ही मिठ बोलड़े सुभा दे मालिक सन अते आए हुए परौणियां दा चंगा स्वागत करना आप जी दा सुभा सी। जदों भी आप जी दे परिवार विच किसे भी बच्चे दा जन्म हुंदा तां आप जी पासों ही उन्हां बच्चियां नूं गुड़ती दिवाई जांदी। आप जी ने अपने पति चौधरी कुमार सैनी जी नाल 2005 विच 4 ताम जिन्हां विच 12 ज्योतिलिंग गंगा सागर बाबा बर्फानी श्री अमरनाथ ते पशुपति नाथ जी दी यात्रा कीती जिस तों आप जी बहुत ही खुश सन। आप जी ने अमरीका कैनेडा यूरोप चीन रूस अरब देशां ते नॉर्थ ईस्ट दे देशां सिंगापुर मलेशिया इंडोनेशिया ते थाईलैंड दी यात्रा भी कीती। आप जी बीबी अमर कौर एजुकेशन सोसाइटी दसूहा वालों स्थापित KMS कॉलेज ऑफ IT एंड मैनेजमेंट बंता सिंह कलोनी दसूहा दे चेयरपर्सन वजो सेवावां निभांदे रहे। आप जी अपने बेटे डायरेक्टर डॉक्टर मानव सैनी अते 9 प्रिंसिपल डॉक्टर शबनम कौर दा हमेशा ही मार्गदर्शन कर दे। आप जी अपने पति चेयरमैन चौधरी कुमार सैनी जी नाल हमेशा ही कंधे नाल कंधा मिला के चले। श्री मंजुला सैनी जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। गरीबां अते दीन दुखियां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। चाहे श्रीमती मंजुला सैनी जी नूं गया बहुत वक्त हो गया है पर फिर भी उन्हां दा परिवार उन्हां नूं याद करदा है ते उन्हां दी याद विच ही चौधरी मेमोरियल ट्रस्ट वालों चौधरी बंता सिंह कलोनी विखे मंजुला सैनी मेमोरियल गेट बनाया गया है अते उना दे नाम ते कॉलेज विखे भी मंजुला सैनी फैशन टेक्नोलॉजी विभाग स्थापित कीता गया है। इस तो इलावा लोड़वंद होनहार लड़कियां लई मंजुला सैनी आशीर्वाद योजना शुरू कीती गई है जिस तो हुण तक बहुत सारे विद्यार्थी लाभ ले चुके हन। उना दी याद विच उना दा चौथा बरसी समागम उना दे समूह परिवार वालों बाबा शांतिगिरी लंगर हाल हाजीपुर चौक दसूहा विखे करवाया गया जिस विच पंडित जी वालों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे चानना पाया अते सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए मार्ग ते चलन दी सिख्या दित्ती। अर्जुन ने संसार की कामना के लिए सभी कार्य कर्म त्याग कर मेरी शरण में आना संन्यास और मेरे चरण कमल में आकर मेरी भक्ति बिना किसी वस्तु की कामना न करना यह त्याग संन्यास है। यह तो हमने अपने मत का संन्यास और त्याग कहा है। अब हे अर्जुन जैसे शास्त्रों का मत सुनो। एक शास्त्र तो यह कहते हैं कि बुरे और भले दोनों कर्म त्यागिए क्योंकि भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल है दुख भोगना है। भले कर्म चरणों में सोने की बड़ी बेड़ी है और बुरे कर्म जो है चरणों में लोहे की बेड़ी है। दूसरे भले बुरे कर्म दोनों जो है बंधन के दाता है इसलिए उनका छोड़ना योग्य है। हे अर्जुन एक साथ यह कहता है कि यज्ञ दान तपस्या स्नान जैसे सत्य कर्म नहीं छोड़ने चाहिए। ये पवित्रता के दाता है। ये कर्म करने से देह पवित्र होती है। हे भारतवंशी अर्जुन अब निश्चय कर मेरे मत का त्याग सुनो। ये 3 प्रकार के हैं। प्रथम तो मेरा मत यह है कि यज्ञ
दान तपस्या स्नान यह मनुष्य को जो है पवित्र करते हैं। यह सत्य कर्म करने तिनको भले कर्म है, कर्म करके उनका फल वांछते नहीं। इसी कारण मेरे मत में वह बात भली है, सब बातों में श्रेष्ठ है कि सत्य कर्म की वांछा न करे। कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा कर्म कर अपने अच्छाई को दूसरे सामने यदि वह वक्ता या बतलाता है तो कहते वह कर्म भी निष्फल हो जाता है। इसलिए अच्छे कर्म जब करे तो अपने आप को गोपनीय रखना चाहिए। जो अज्ञान से आलस्य करे सत्य कर्म छोड़कर कहे कि सत्य कर्म करने से क्या होता है, जो प्राणी माया मोह में सत्य कर्म छोड़े सो तामसी त्याग कहलाता है। जो प्राणी देह के दुख के डर से सत्कर्म कर छोड़ कहे कि स्नान करने से मुझे शीत लगता है, ठंड लगता है, हाथ दुखता है, इस प्रकार का त्याग जो है तामसी ही कहलाता है, इसका फल नहीं पाते। अर्जुन जो इस प्रकार सत्य कर्मों को करे, प्रथम तो कहे मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण का जन्म जो है वह दुर्लभ है, स्नान आदि कर्म करने मुझको भले है, अश्वमेध यज्ञ कर्म करे फल की वांछा नहीं करे, ऐसा सात्विक त्याग कहलाता है। ये अर्जुन विवेक की पुरुष स्नान आदि सत्य कर्मों की निंदा नहीं करते और न आप सत्य कर्मों का त्याग करते हैं, निश्चय से इन्हें करते हैं, फल की वांछा नहीं करते। हे अर्जुन ऐसे प्राणियों की बुद्धि निर्मल हो, तिस निर्मल बुद्धि से ज्ञान उपजता है, जब मेरी महिमा का ज्ञान उपजा तब संसार के बंधन से प्राणी मुक्त होगा। इससे हे अर्जुन सत्य कर्मों का त्याग न करे। जैसे सीढ़ियों के मार्ग में मंदिर के ऊपर जा सकता है, यह सत्य कर्म जो है मूर्ति की सीढ़ी है और जितने देहधारी है सो किसी देहधारी की शक्ति नहीं जो सत्य कर्म त्यागे। अर्जुन जब पिता के वीर से माता के उदर में यह जीव आता है उसी दिन से लेकर मरने के दिन तक कभी यह निष्कर्मी नहीं होता और न ही यह जीव त्यागी होता है। अर्जुन यह कब निष्कर्मी होता है सो सुनो, प्राणी सत्कर्मी मुझको समर्पे कुछ फल न मांगे तब यह जीव निष्कर्मी है और त्यागी होता है। जब जो मनुष्य सदा ही अपने कर्म करने का तीन प्रकार का फल होता है सो सुनो, भले कर्म का फल सुख, बुरे कर्म का फल दुख, और बुरे भले जो है रत्न मिला जो करता है मिलकर करे उसे सुख और दुख जो है विस्तृत होगा। ये तीन प्रकार के फल है जो सदा संसारी मनुष्य के होते हैं। जो संसार को छोड़ मेरी शरण में नहीं आए इनको दुख, जो प्राण त्याग कर मेरे चरण कमल की शरण आए उनके निकट कोई दुख नहीं आता। अब अर्जुन तुम सुने, जिसके कर्म जो है देहधारी मनुष्य से होते हैं भले या बुरे सो सब देह इंद्रियों के मन से होते हैं, आत्मा कैसा अकर्ता है कुछ नहीं करता, केवल एक ही है निर्मल का निर्मल। हे अर्जुन जिसको उन्होंने पहचाना है जिसकी निर्मल बुद्धि है सो आत्मा को पहचानते हैं, और दुर्गति और अंधमती पुरुष आत्मा को नहीं देख सकते। हे अर्जुन जिसकी अहम बुद्धि नहीं कि मैं जो आत्मा हूँ अकर्ता हूँ कुछ नहीं करता, जो कुछ भला बुरा कर्म होता है देह इंद्रियों के मन से होता है, जिसकी ऐसी बुद्धि है सो वह सब लोगों को मारे तो उसको कोई देख भी नहीं सकता, किसी कर्म का उनको बंधन नहीं। अब अर्जुन तीन प्रकार के ज्ञान तीन प्रकार के कर्म करता भिन्न भिन्न सुनो। पहले कहते सत्व ज्ञान सुन, जिस ज्ञान
एक ही अविनाशी आत्मा दृष्टि आता है, जिसको सर्वव्यापी जानकर सबके हाथ एक सा व्यवहार हो, बैर से दुख किसी को ना दे, सुखदायी बने, यह सात्विक ज्ञान कहलाता है। और जब ज्ञान भिन्न भिन्न दृष्टि हुआ कि वह और है और मैं और यह तेरा यह मेरा है, सो राशि ज्ञान कहलाता है। और जिस ज्ञान से सब कोई बुरा दृष्टि आए, सबको बहरे बांधे रहे, ऐसा तामसी ज्ञान कहलाता है। अब अर्जुन कर्म सुनो, जो इस प्रकार कर्म करे कि यह कर्म करना है मुझको योग्य है, फल की कुछ वांछा नहीं। और अहंकार के साथ कहे यह कर्म मैं करता हूँ, और जिस कर्म के लिए जंजाल बहुत हो सो ऐसा कर्म राजसी कहलाता है। जिस कर्म में कोई बंधन बांधना, किसी को दुखाना, किसी का घात करना, ऐसा कर्म करने से अपना बल और बड़ाई दिखाना, इस प्रकार माया मोह का हुआ कर्म का आरंभ करे सो तामसी कहलाता। और सात्विक कर्ता सुन, इस प्रकार कर्म करे, यज्ञ महोत्सव होम श्रद्धा दान इत्यादि जो है सत्य कर्म, इनको करे, फल कुछ न वांछे, अहंकार से रहित हो, मेरा कुछ नहीं सब परमेश्वर का है, और उदम से रहित जो कुछ सरल सहज हो सोई करे, या बिगड़े तो कल्प नहीं, जो कुछ कार्य संपूर्ण हो तो प्रसन्न न हो रहे, वह क्या मुझसे वैसा सब कुछ ईश्वर का है। कहते हैं जो भगवान ने दिया है यह सब प्रभु का है, हमारा तो कुछ नहीं है। हर्ष शोक से रहित हो, जो कुछ ईश्वर इच्छा आ मिले सो भोजन करे, इस प्रकार सात्विक कर्ता का है। राजसी कर्ता सुन, जीवों के दुखाने में जिनका स्वभाव अपवित्रता हर्ष छोड़कर सदुख जो यज्ञ करे, उसको फल की कामना मन में करे कि लोग उसको धन्य कहेंगे, इस निर्मित हर्ष होना या घर से जो द्रव देता है, इस कारण से शोक होना यह राजसी कर्ता का होगा। मेरा भजन करने से चारों अवगुण कट जाते हैं, सहज पद को प्राप्त होता है, इनको चौथा पद कहते हैं, इसको सहज पद तूर्य पद शत पद भी कहते हैं। जो प्राणी इस पद को प्राप्त होता है उसको किसी कर्म के त्याग करने का दुख नहीं है, जो सत पद पाकर किसी कर्म का आरंभ करे उसको बड़ा दोष है। कहते सत पद का दृष्टांत सुनो, जैसे धुएं से रहित निर्मल अग्नि जलती है, इस निर्मल अग्नि में धुएं वाली लकड़ी डाल दे तब वह निर्मल अग्नि को बिगाड़ देती है, ऐसे ही चौथे पद वाले को कर्म आरंभ करना दोष है, कर्म का आरंभ करना सत्य पद को बिगाड़ देता है। इस कारण जो तुरीय पद में लीन हुआ, जिसको कर्म का आरंभ करना कुछ नहीं रहा, अब जो प्राणी चौथे पद में लीन हुआ है, इसके लक्षण सुन, मुख्य लक्षण यह है कि किसी से मोह ममता नहीं, संसार के विषय में अपना मन जीत रखा है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वह निष्कर्मी स्थित है, किस दुख के सामने और कोई सुख नहीं, इस कारण किसको कोई वांछा नहीं, सो वह किस चीज को प्राप्त हुआ। कहते हैं कुंती नंदन अर्जुन, वह मेरे जानने के ज्ञान को पूर्णता प्राप्त हुआ है, जिसकी बुद्धि निर्मल हुई और परमेश्वर पार करना किसे किसको दृढ़ निश्चय हुआ, और संसारी लोगों की बात नहीं सुनता, और न आप किसी से बात करता है, न किसी के साथ प्रीति है, न शत्रुता है, एकांतवास मेरी शरण के सुख को पाकर गुण हो रहा है,
जिसने तीन बातें कर दी है अर्थात दिन से संसारी मनुष्य से संग नहीं करता, जिज्ञासा से बात नहीं करता, मन से संसारी लोगों का चिंतन नहीं, इस प्रकार के दिन वाणी मनसा जीव अर्पित रखा है और नित्य निरंतर मेरे ध्यान से जुड़ा हुआ सारे संसार से कैलाशमान है वह ऊपर धर्म के लोक में जाकर शेष नाम लेके परम लोक में परम सुख को प्राप्त करता है। इसका नाम वैराग्य है। फिर ऐसा अहंकार बल गर्व क्रोध इसका त्यागी रमता नहीं, भोजन खारण से अधिक रमता नहीं, मोह न रखे, ऐसे जो सत्य पुरुष है सो के साथ नहीं होते, दुख है वह ऐसा हुआ। कहते हैं ब्रह्म भूत क्या कहिए माया के तीन गुण सो काटे गए, जब तीन गुण काटे तब कैसा आत्म ब्रह्म था कैसा ब्रह्म भूत ब्रह्मी हुआ। इस कारण से जिनको ब्रह्म भूत ही कहिए ब्रह्म भूत हुआ तब जिसका आत्मा प्रसन्न हुआ तब कुछ कई वस्तु की चिंता न करे, अनहोनी वस्तु के आने की वांछा न करे, सब भूत प्राणियों से समता दृष्टि हो यह लक्षण तुरीय पद है। जब तुरीय पद में मनुष्य आए तब मेरी भक्ति को तुरंत नहीं पाए, मेरी भक्ति यह है जो मेरी महिमा का प्रताप जानता है, सो मेरा भक्त कैसा तुरीय पद में लीन हुआ क्या ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ, सो भक्त प्रभु को जाने सकल प्रताप प्रभु को माने बड़ाई माता का ब्रह्मबोध विचार इनको जाने, आगे और महत्व नहीं इस महिमा का जानता ही परम भक्ति है, सो क्षण क्षण पल पल राम नाम को सुने हे अर्जुन जिसने मेरी महिमा का ज्ञान रूप अमृत का पान किया, सो जब यह मनुष्य देश में बसे तब तक परम शांत सुख में मगन रहता है, देहे त्यागे तब मेरे ब्रह्म निर्णय विनाशी पद में जो लीन होता है यह चौथे पद तुरीय शांति पद के लक्षण कहे, जिनको भजन रूप अमृत का स्वाद आया है और साथ ही माया की प्रकृति का त्याग कर रहे हैं सो मेरी कृपा से मेरे पद को प्राप्त होता है, उसी कारण से हे अर्जुन तू मन का निश्चय चिंता मेरे मेरा मेरे साथ ही प्रीति कर, बुद्धि की निश्चिता निष्ठा चिंता मेरे में रखने से संसार के दुख से डर जाएगा और जो अपने अहंकार से मेरी आज्ञा न मानेगा तब तेरा विनाश हो जाएगा। जो तू कहे कि मैं युद्ध नहीं करता सो तेरा करना झूठ है, क्यों जैसी तेरी प्रकृति है वैसा ही तुझसे हो रहा है, देख उनके नंदक अर्जुन जैसे जैसे स्वभाव के निर्धारित होते हैं सो सब स्वभाव के बस है, स्वभाव किसी के बस में नहीं, जो तू कुटुंब का मोहित यह कहे कि मैं युद्ध नहीं करता तो क्षत्रिय का स्वभाव तुझसे अवश्य युद्ध करवाएगा, ये अर्जुन एक ईश्वर का स्वरूप भूत प्राणियों में बसे हैं स्वस्थ कर, जीवों को मोह यंत्र कर ही बैठ कर सबको रमाता है, इस कारण सब भावों में भावों से तू ईश्वर की शरण शरण जा, परम शांति जो कल्याण पुरातन स्थान है उसको प्राप्त होगा। ये अर्जुन क्या परम कुछ जान जैसे मैंने तेरे प्रति कहा और जितने मार्ग मेरे बाणे के हैं सो तेरे प्रति सब कहे हैं, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है, मेरी बुद्धि मेरे चरणों के साथ भिड़ है, इस कारण मेरे कल्याण निर्मित मैं करता हूँ। हे अर्जुन सब भजनों में मुझको यह भजन रुचिकर है, जब तू इस भजन से भिड़ होगा तब सब भक्तों से तुम्हें प्यार लगेगा, सब भजनों को त्याग कर मेरी शरण आ, मैं तुझको सब पापों से मुक्त करूंगा,
हे अर्जुन यह बात जान तो जो मैंने तुझको कहा सो तुझे ऐसे लोगों को नहीं सुनाना है जो मेरी भक्ति से विमुख है जिसकी सुनने की श्रद्धा न हो जो मेरा वही ज्ञान मेरे भक्तों को सुनाएगा वह मुझे भक्ति सहित जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की है मुझे वह पाएगा ऐसा कोई दूसरा पुरुष मेरे प्रसन्न करने को नहीं है ऐसी प्राणी न पीछे कोई हुआ न आगे होगा वह मुझको अति प्यारा है जो मेरे भक्त को गीता का ज्ञान श्रवण कराता है जिसको बहुत फल प्राप्त होगा जो कोई इस गीता के एक श्लोक का भी पाठ करेगा जिसका फल सुनो सब यज्ञों में श्रेष्ठ जो है यज्ञ है जिसका फल मैं देता हूँ जिस पाठकर्ता के निकट जा खड़ा होता हूँ जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाए तब वह तत्काल बोलता है वैसे ही गीता के पाठ करने वाले के निकट में हमेशा खड़ा होता हूँ जो अर्थ कल सुनाए जिसकी महिमा बढ़ाई पूछे कभी न जाती जैसे मेरी महिमा और बढ़ाई वचनों से अगोचर है जैसे गीता के अर्थ करने वालों को महिमा वचनों से अगोचर है और सुनने वाला इसका सत्य मानकर श्रवण करे वह भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परमानंद अविनाशी पद को पाएगा इससे हे अर्जुन यह ज्ञान तुझे एकाग्रचित होकर श्रवण किया है सो तेरे अज्ञान मोह का नाश हुआ है श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन बोला हे अच्युत अविनाशी पुरुष हे भगवान तुम्हारी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ है और ज्ञान भी पाया मेरी बुद्धि भी निर्मल हुई मेरे मन के जो संदेह था वह भी नाश हुआ आपके मुख के कवच से युद्ध करने की आज्ञा हुई है सो युद्ध करता हूँ संजय वाचा संजय बोला दृष्टा से कहते हैं कि हे राजन श्री कृष्ण भगवान की और अर्जुन के दोनों के संवाद रूप गीता का महत्व सुनकर समझकर मेरे रूप खड़े हो गए जो व्यास जी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी है जिसकी कृपा से मैं आपको गुप्त गीता का ध्यान श्रवण कराया है आपको मैं बताया है यह अनंत जो है उन्हीं मत है योगेश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के मुख कमल से जो ज्ञान निकलता है जिसको विचार कर परम हर्ष को प्राप्त हुआ हूँ और विश्व रूप श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को यह दिखाया है उन्होंने विराट रूप का दर्शन कराया है उसको भी देखकर मैं परम हर्ष और विश्व में प्राप्त हुआ हूँ हे राजन अब मेरे निश्चय ही बात सुने जिस और योगेश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण और गांडेव धनुषधारी अर्जुन है उसे वशी और लक्ष्मी है उसी की जय होगी मेरी मति यही है कि जो निश्चय कर ध्यान जिसके पक्ष पर श्री कृष्ण जी का हाथ है उसका विजय निश्चित होगा आज ऐसे सारे लोग इस करके इकट्ठे हुए हैं श्री प्रति बजल सैनी जे साढ़े बजुर्ग ने उन्हों की अच्छ बरसी है वारसा वालों उन्होंने पाठ कराया गया और सारे लोगों ने शबूल परिवार से बेनती की परिवार बारे बहुत दसने की लड़ नहीं प्रोमिनेंट फिगर सुबह और ये बड़ा अच्छा एक परिवार है चौधरी साहब वगैरह सर चौधरी बद्राम जी और उन्होंने सारे परिवार की बदौलत इन्होंने लोगों ने बड़ा वधिया कॉलेज बंजला सैनी की प्रेरणा करके के एम एस कॉलेज जा रहे हैं कॉलेज रद्द कर रहे हैं जोड़ा इस इलाके गरीब लोगों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टैक्निकल एजुकेशन देने का प्रबंध इस कॉलेज है बहुत बड़ी वधिया व्यवस्था जारी की हुई है कुछ दिन पहला सानू समा मिलिया इन्हों कॉलेज का प्रोग्राम से कल्चर प्रोग्राम से न्यू री एंट्री फ्रैशर वास्ते और बड़ा अच्छा वैल मैनेज वैल बिहेव्ड वैल ऑर्गनाइज उ प्रोग्राम रखिया ये इन्हों की काबिलियत दसती है
ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਦਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧ ਸੀ ਔਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਰਦਾਨ ਵਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਨ 67 'ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਭੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਪਰੈਂਡ ਕਰਦੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫੰਡ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰਹੇ ਆ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਨ ਇਨ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਅੱਜ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸੂਤਰਧਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੂਤਰਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਨ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਮੈਡਮ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਚੈਂਬਰ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਬੜੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣੇ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਪਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਬੂਲੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫੋਰਮ, ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਦੱਸੇ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲੱਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲੱਗਤ ਸਾਹਿਬ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਜੋ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ 1968 ਮੰਜਲਾ ਸੈਣੀ, ਜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲਾਂਬੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਵਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਦਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 1968 ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇਖਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬੀਤਿਆ ਦੇਖਦਾ, ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਬਣਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
प्रमाणित लाइफ है वो बहुत ही अजीब किस्म है। मैंने आज तक बहुत बहुत बढ़िया बहुत लोगों का रिलेशन है पर इन्ने चंगे रिलेशन अंत तक चले जाना मैंने बहुत घट देखने मिले। इंदिरा इन्नी महान औरत सी जिसने कभी भी कुमार सैन किसी गल लो लेके जब परिवारिक जीवन के फैसले करद अपना सैनिक लोड नहीं दिता है जिस जिला काम इस परिवार ने जीवन ने अपने बच्चे पालन ने किया मेरे बच्चे सुखा का नाम कट हो सकता पर बहुत घट औरत मेरे जीवन च आई जब मेरा शान जीवन के अंत साथ उस औरत ने कुमार साहब की सेवा ते कुमार साहब का साथ इन्ना दिता कि किसी भी विदेशी यात्रा च सारिया वे वे देश तो दुनिया के उन्होंने यात्रावान दोनों भी शामिल करना इन्होंने उन्होंने यात्रावान की जब तक इस दुनिया में चले कि गल परिवार को छड़ के जाना और मतलब सैर कर जाना एक चंगी पर्व परवरिश की बच्चों की जिन्होंने कभी भी पूछो कोई अजा काम नहीं किया जो कभी आरंभा बढ़ के सामने आया ये संस्कार से जो उन्होंने बच्चों के बच्चे आए कोई भी मतलब मैं परिवार को जो देखा मां साहब ने जिंदगी बड़े व्यापार होते कहीं के फिर हो कहीं के कामयाब पर उस औरत के कभी शिकवा नहीं पालना किया तुझे काम गलत किया या तुझे काम ठीक किया और जो बच्चा ने कान खोलिया अपनी नूह कर लिया एक नूह बना के उच्च विद्या करवाई पी एच डी करवाई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोलना और कामयाबी का सबक करना ये सारे परिवार का अट सरकार सारे परिवार दिन शुभ शामिल मुसीबत अस डोगे बहुत घट लोगों के हिस्से है। मैं महसूस करता इस नशे के विरुद्ध जो नौजवान बिगड़ते हैं अमीरी ज्यादा बिगड़ते हैं उन्होंने इस समय के और कल के समय बच्चों ने अपने आप को कायम रखा और अपने मां और बाप दियां जितिया हुई रशीद एजुकेशन मानदर मादर अब एक बल्दिया से पहुंचे लोग पूरी पढ़ाई करा उन्होंने पी एच डी करा फिर उन्होंने एजुकेशन के मुताबिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन मतलब जरा चलाना और मुझे बिजली चला के नाल शामिल करना दोनों हसबैंड वाइफ का चलाना कुमार साहब का सहयोग मंजिला सैनी का अंतरे समय तक कॉलेज के चेयरमैन बनना तो कोई तो चेयरमैन बनना नहीं कोई बनना तो बहुत ही गल नहीं सी क्योंकि पैसा इन्हों का सी अकल इन्हों बच्चे इन्होंने वहां चलाने लग के अपना नाम बनाया और लोग और पुत्र ने अपनी माँ का नाम भी उच्चा किया अपने नाम का बाप का नाम भी उच्चा किया। इस समाज की सेवा कर रहे वक् वक् समय कई सभा सोसायटी में इकट्ठे रहे कई सभा सोसायटी कुमार साहब अपना काम भी करते हैं सो जो भी असं बस देखा दुखा करते हैं अजे सभी जो इकट्ठे होते हैं मतलब लेखा जोखा ही होता जो हो सकता किसी कोई किरण मिले।
ਸਕੇ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਲਦਾ ਸਹਿਣੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌ ਅੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਾਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰੱਖਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੂਏ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਸੀ ਚੌਹਾਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜੇ ਪਰਾਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 80 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨਾ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਓਮ ਕਤਰੰ ਜਣੇ ਵਾ ਸੁਣਿਆਮ ਦੇਵਾ ਕਤਰੰ ਪਸੇਵਤਰੰ ਦੇ ਤਸਵਾਮ ਸੁਤੋ ਮੈ ਦੰਦਦਾਨ ਓਮ ਓਮ ਨਾਭਿਆ ਸਤਮਿਤੋ ਸਿਸ਼ਮੋ ਦੋ ਸੁਤਾ ਕਤਰੰ ਹੰਦੇ ਸਾ ਸੋਗਾਤ ਪਾਨ ਸੁਤਾ ਪਾ ਲੋਕਾਂ ਕਲਪਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸੰਖਾ ਪ੍ਰਾਨ ਬਨੇ ਜਾਨ ਦਾ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਤਾ ਚ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ ਮੰਗਲਮ ਸਮਰਪਾਣੀ ਓਂ ਜਗੇਨ ਚਦਵੰਤਦੇਵਾਤਾਣਿ ਧਰਮਾਣਿ ਪ੍ਰਤਮਾਨਾ ਸਨਾਤਨਾਕ ਮਹਿਮਾਨਾ ਸਚੰਦਰਪੂਰਵੇ ਸਾਧਿਆ ਸੰਤਿਦੇਵਾ ਓਂ ਰਾਜਾਧਿ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਸੇਸਾਣਿ ਨਮੋਭਯਂ ਵੈ ਸਮਾਤ੍ਮੇ ਸਮੇ ਕਾਮਾਨ ਕਾਮ ਕਾਮਹਿਯਂ ਕਾਮਿਸਮਾਨਿਦਾਯ ਕੁਬਿਰਾਯ ਵੈ ਸਮਣਾਯ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਮਾ ਓਂ ਵਿਸ਼ਵਚਕਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਦਾਮ ਕਾਪਤਸਪਾਤਾ ਸੰਭਾਵਯਾਂ ਨਮਤਿ ਸੰਗ੍ਰੇ ਯਾ ਵਾ ਭੂਮੀ ਜਨਯੰਤ ਦੇਵ ਏਕਾਨਾਨਾ ਸੰਕੂਤਾਣਿ ਯਥਾ ਕਾਲੁਭਵਾਨਿ ਚ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ ਮਯਾ ਦੱਤੋ ਗ੍ਰਹਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਤਿ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ
मंजिला सैनी जिन्होंने सानू छड़ के गया होया लगभग 4 साल हो गए ने उन्हां दा आशीर्वाद ही है जिहदे नाल असीं इत्थे तक पहुँचे हैं। पहला भी साडा पूरा साथ दिंदे रहे ते हुण भी असीं महसूस करते हैं कि उन्हां दा आशीर्वाद साडे सिर ते हमेशा बणिया रहिंदा है ते असीं आशा करते हाँ कि परमात्मा उन्हां दी आत्मा नूं शांति देवे ते साडे परिवार के उत्ते साडे उत्ते साडे कॉलेज के उत्ते साडी संस्था के उत्ते इसी तरह नाल अपना आशीर्वाद भरिया हाथ रखा।